हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ब्लिस एंड ब्लूम्स। आज आपसे एक नए प्लांट के बारे में बात करेंगे और ये है मंडेविला। और ये जो है थोड़ा सा नाजुक पौधा होता है, तो उसको थोड़ी स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है। और यदि एक बार चल गया तो फिर बराबर जो है बहुत अच्छे से ग्रो होता है ये, और बहुत अच्छी फ्लावरिंग भी देता है। तो इसको हमें ऐसे सॉइल में लगाना है जिसमें पानी बिल्कुल भी रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें मेन प्रॉब्लम आती है रूट रॉट की। और इसको हमें वेल ड्रेन सॉइल देना है ताकि पानी बिल्कुल भी उसमें रुके नहीं। तो इसमें जब आप इसकी पॉटिंग तैयार करें तो इसमें 1 पार्ट सॉइल लीजिए, 1 पार्ट सैंड लीजिए, 1 पार्ट कोकोपीट और 1 पार्ट कोई भी खाद। और वर्मी कंपोस्ट लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। और इसको आप या तो अर्थन पॉट में लगाएं या फिर सीमेंट वाले पॉट में भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा डेलिकेट प्लांट होता है। तो इसको प्लास्टिक के पॉट में ना लगाएं तो ये अच्छा चलेगा, क्योंकि इसमें पानी बिल्कुल भी रुकना नहीं चाहिए, एवेपरेशन होना ज़रूरी है। तो इसके लिए पॉट आप सही सिलेक्ट करें। और इसमें जब पॉटिंग बनाएं तो फिर इसमें थोड़ी सी नीम खली ज़रूर ऐड करें, ताकि रूट में कोई अंदर से कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। और इस तरीके से इसको लगाइए। और ये वाइन है मंडेविला की, और इसमें दोनों वैरायटी आते हैं, वाइन भी आता है और बुश भी आता है। तो ये एलमंडा फैमिली को बिलोंग करता है, और उसी के दिखने में भी फ्लावर्स जो हैं उतने ही बड़े फ्लावर्स इसमें खिलते हैं। थोड़ा सा पेटल्स इसके डिफरेंट होते हैं, और फूल भी थोड़ा सा अलग है देखने में। तो इसमें 3 कलर तो भी आते हैं, 3 कलर में ये वाइट जो है वो सबसे ज़्यादा इजी होता है ग्रो करने के लिए। और इसको आप अच्छे से जो है वो अपने पॉट में ग्रो कर सकते हैं। इसमें फिर पिंक आता है, वो भी थोड़ी केयर के साथ चल जाता है। सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट इसमें रेड कलर को हैंडल करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, उसमें थोड़ी ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। लेकिन वाइट जो है वो इजी गोइंग होता है, थोड़ी सी केयर करें आप तो अच्छा चलता है। तो जब भी आप अगर न्यू गार्डनर हैं तो वाइट कलर ही प्रेफर करें तो ये अच्छा चलेगा। और इसमें ये वाइन की तरह होता है, तो इसमें आपको इसमें थोड़ा सपोर्ट देना ज़रूरी है। अभी तो ये मेरे साथ में लगे हुए पॉट में जो प्लांट है उसके ऊपर चढ़ गया है ये, तो इसको अलग से मुझे सेटल करना है। और इसको जब आप लगाते हैं तो इसको सही लोकेशन दें, इसको सुबह की धूप तो मिले पर इसको हार्श धूप जो होती है वो इसको नहीं चाहिए। तो इसको ऐसी जगह रखें यहाँ सुबह सुबह का लाइट आता हो, सनलाइट, बाकी पूरे दिन की कड़ी धूप जो होती है वो नहीं मिलनी चाहिए। तो या फिर इसको हल्की सी जो 50% नेट आती है उसमें भी रख सकते हैं। और सर्दियों में इसको आपको डोरमेंसी से, जब डोरमेंसी में जाता है तो उसको फ्रॉस्टिंग से बचाएं, और धूप जहाँ थोड़ी बहुत आती हो वहाँ रखें तो ये सही चलेगा। और इसमें पेस्ट अटैक जो होते हैं वो इसमें मिलीबग और एफिड्स का अटैक होता है, तो इसमें नीम ऑयल का स्प्रे आप करते रहें तो ये बचा रहेगा। और इसके ऊपर, इसके पत्तों पर आप हल्का फुल्का स्प्रे दे सकते हैं, और इसके फ्लावर्स भी 2-3 दिन तक खिले रहते हैं। और ये एक ही ब्रांच पे कई सारे फ्लावर्स आते हैं तो ये बहुत सुंदर दिखाई देता है, और इसको ज़रूर लगाएं। सो थैंक यू सो मच, हैप्पी गार्डनिंग।